हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एटी केटी के स्टूडेंट हैं, बैकलॉग के स्टूडेंट हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कल कमेंट किया हुआ था कि ये सूरज सर आप ही का वीडियो है कि किसी और का है। दोस्तों मैं असल में वीडियो घर से बना रहा हूँ, इसके लिए मेरा फेस वाला वीडियो नहीं बना रहा, और साथ ही साथ मेरे जो माइक का बैटरी है वो भी लो हो चुका है, जिसके वजह से वॉइस क्वालिटी भी प्रॉपर नहीं आ पा रही, लेकिन जितनी भी आ रही आपको अच्छे सुनाई देगी, समझ में आएगा। मैं फिर भी वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दिया कर रहा हूँ। तो दोस्तों जितने भी एटीकेटी के स्टूडेंट हैं और जितने भी बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको एक चीज़ बता दूँ कि मासू उनको भी हेल्प कर रहा है, मतलब महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन उनको भी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। तो जितने भी एटीकेटी के स्टूडेंट हैं, बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, वो घबराइए मत, वो ये मत सोचिए कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेके अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है तो हम एटीकेटी वालों का क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को भी लेके महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन साथ में है स्टूडेंट के, और वो एटी केटी के स्टूडेंट के लिए भी साथ में स्टैंड ले रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो उन्होंने ही पोस्ट किया हुआ है जो इधर आपको दिख रहा है। आउट ऑफ 8 लाख फाइनल ईयर स्टूडेंट, अराउंड 3.5 लाख स्टूडेंट हैज एटी केटी एंड बैकलॉग, और इनको सपोर्ट पूरा कौन कर रहा है, जो एडवोकेट सिद्धार्थ सर है, सिद्धार्थ इंग्रे सर है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन के। इस पोस्ट में दोस्तों लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन के कि जितने भी अपने महाराष्ट्र में 8 लाख के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब टीवाई के हो या एमकॉम के हो, मतलब 8 लाख फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं हर फील्ड के, बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, हर फील्ड के, ठीक है दोस्तों। उसमें से 3.5 लाख स्टूडेंट एटीकेटी के एंड बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, फिर वो कोई भी स्ट्रीम से हो, मतलब बीकॉम हो, बीएमएस हो, बैफ हो, बीबीआई हो, कोई भी फील्ड से अदर देन मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट को केटी है और बैकलॉग है, तो उनका एक ही कहना है कि आप लोग घबराइए मत, जो भी होगा डिसीजन वो आप लोगों के फेवर में ही होगा और अच्छे ही डिसीजन हो गए, मैं भी होप करता हूँ, क्योंकि 2 दिन से सभी स्टूडेंट हिल चुके हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हिल चुके हैं कि अभी तक हमें तो अनाउंसमेंट किया जा रहा था एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि एग्ज़ाम होगा, हम पढ़ाई करें कि नहीं करें, और हमारे मतलब लाइफ से क्यों खेला जा रहा है, जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है वो अपने में करें, स्टूडेंट को उसके बीच में क्यों लाया जा रहा है, ये चीज़ पे तो मैं भी सामने से बोलूँगा, और बहुत जल्द मैं इसके रिलेटेड वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन जब तक मेरा माइक सही नहीं हो जाता मैं वीडियो फेस वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।